Hello friends, welcome back to another video. But I must say sorry because this is a video that I'm going to upload after breakup around 2 weeks. And thank you for your patience waiting. And sorry that I just got late. Okay, today I'm with a video in a different one to teach you certain vocabulary regarding your body. आपका बॉडी पार्ट्स क्या एक्शंस के अकॉर्डिंग आपका क्या फीलिंग्स है, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपका कौन सा मूड में, वो बताने के लिए आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा. कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड देन. सी एक्शन, व्हाट आर द एक्शंस एंड कौन सा बॉडी पार्ट रिएक्शन करते हैं. एंड जब आप रिएक्शन करेगा तो आपका आप कौन सा स्टेट में, कौन सा मूड में, कौन सा सिचुएशन में, वो बताने के लिए थैंक यू. एंड मेरे को लगता है एक स्क्रीनशॉट अच्छा लगेगा क्योंकि आपको आई टू क्लोज स्टडी के लिए हेल्प करेगा. सो प्लीज हैव ए स्क्रीनशॉट नाउ. थैंक यू. सो हियर वी गो, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्शन. फर्स्ट एक्शन इज बाइट. बाइट मींस मेबी बिस्किट और समथिंग. जाने वाला नहीं, आपका कौन सा बॉडी पार्ट बाइट करता है आपको पता है. लिप्स एंड different ways of lips वगैरह है. and here I am just going to tell you, आप जब nervous हो आप कैसे आपका lips को bite करते हैं, that is what. okay, एक nervous situation, for example it could be like this. See, there are many ways of biting lips, you know. sorry, I'm not going that area, so that you may be aware or not aware, I don't know. so anyway, when you like in a nervous situation, how you are. थोड़ा आपका एक्शन मूड चेंज करके कोई हैप्पी मूड में करेंगे तो देयर आर मेनी ना वेज दैट यू नो सम डेज इट लुक्स सेक्सी टू यू नो दैट्स अ डिफरेंट केस. सो व्हिच मींस द देखने वाले को पता लगेगा क्या बंदा टेंस है, हां नर्वस है. ओके, सो हियर गोस. नंबर 1, क्लेंच. सी, फॉर क्लेंच, क्लेंच योर फिस्ट. दिस एरिया वी कॉल रिस्ट एंड दिस एरिया वी कॉल यू क्लेंच योर फिस्ट लाइक दिस डूइंग दिस. क्यों यू आर ना ये वीडियो देख के आपको गुस्सा आ गया, बंदा क्या करवा रहे हैं, सुबह हम क्या करोगे, अगर मिल गया तो एक मुक्का मारेगा उसको. सो दिस इज लाइक यू नो लाइक अ साइन दैट यू आर एंग्री व्हेन यू क्लेंच योर फिस्ट. एंड नंबर 3, क्लिक. यू कैन क्लिक दिस आल्सो एंड हियर यू क्लिक इन टंग. व्हेन यू क्लिक योर टंग यू आर अनॉयड. हाउ इट इज, maybe you are not getting answer of something or you are waiting for somebody, कुछ भी हो सकता है. हमारा तो एक क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा, टीचर ने क्वेश्चन पूछा है तो आंसर आपको पता नहीं कि नहीं आ रहा, तो डोंट नो. एनीवे यू आर वेटिंग फॉर समबडी फॉर समथिंग टू कम. मैंने यहां पर कुछ रखा तो पता नहीं कहां गया. नर्वस हो गया क्या? अनॉयड. अनॉयड मींस यू आर डिस्टर्ब्ड. ओके, यू आर डिस्टर्ब्ड विद समथिंग, सो यू डू यू क्लिक योर टंग एंड हियर गोस ड्रम योर फिंगर्स और टैप योर फिंगर्स. कब? जब आप इंपेशेंट हो, आपका पेशेंस खत्म हो गया. फिंगर देख रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली आपका फेस एक्सप्रेशन वगैरह उसी के साथ से होगा, आपको पता है. सो मेरी बॉडी भी होगा, अदर होगा, अदर होगा करते हो. सो हैंग योर हेड. व्हेन यू हैंग योर हेड यू आर अशेम्ड, गिल्टी फील हो गया, शर्म आ गया. तो आप क्या करोगे? हैंग योर हेड मींस ये नहीं है जैसे पे रहता ना लाइक दिस मींस दूसरों को सामने करने में दिक्कत आ रही क्योंकि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, यू फील गिल्टी. या ही गोस लाइक ये लाइक द लिप्स. सपोज यू नो बच्चों को क्रीम बिस्किट दे दो, बाहर वाला बिस्किट निकाल के अंदर, ये नहीं है. हम पर लिप्स मींस व्हेन यू लिक योर लिप्स anticipating something good or nervous भी हो सकता. so nervous की बात यहाँ पर हमने बात की किया था उसके साथ करने पर है. then यहाँ पर आप अपना miss something, maybe आप वहाँ पर बैठा अपने घर पे दूसरा घर में से नए वर्क का घर में से ना किचन में से अच्छा smell आ रहा है something tasty खाना आपके सामने आ गया, क्या करोगे? छोटे बच्चे आना दूसरा कोई आइसक्रीम खा के देखते क्या होगा. Yes, it happens.
and nod. Nod is you nod your head. Means you agree. You are agree. So here means how it is. For example, do you like this video? In such a position, when you move your head, that is nod. Not like this. If you do like, do you like this video? Means you shake your head. When you shake your head, you are. When you shake your head, then you disagree. Do you like to come with me? And do you like to come with me? If you nod your head, it means you agree, you accept. And if you shake your head, yeah, disagree, disapprove. And here goes, purse your lips. Bharat means you purse your lips means purse the, like this, okay? Purse your lips, disapproving. How it comes? Can you purse your lips? It could be very good. नहीं यार तो भी दिखाऊंगा दोनों ऐसे इकट्ठे करके मम्मा ने बोला थोड़ा अच्छा है बनाओ बेटा अच्छा नहीं लगा मैं प्लस टू पढ़ दिया मैं डिग्री करते हैं मैं क्यों चाय बनाऊं दिस इज फर्स्ट थिंग योर एंड हियर कम्स रेज योर आईब्रोज यू व्हेन यू रेज योर आईब्रोज आईब्रोज वेन इंक्वायरिंग मतलब क्वेश्चन पुट कर रहे हैं ऐसे कुछ बिना बिना बातें करके पूछ रहे फॉर एग्जाम्पल क्यों आया ये कौन है क्या आज सरप्राइज्ड वो तो फेस एक्सप्रेशन टोटली चेंज होगा फॉर एग्जाम्पल हो मैं अपना फ्रेंड को काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं मैं ओहो समथिंग सरप्राइजिंग बात समथिंग इंक्वायरिंग अबाउट इसके अकॉर्डिंग यू आर रेजिंग योर आईब्रोज Scratch your head, you're puzzled, confused. So, here comes, shake your head, I have told you already, shrug. You show no question, you have this. Okay, doubtful, doubtful. For example, आपको क्या लगता है ये lockdown अच्छा है कोविड को कराने के लिए फेक करने के लिए तो आपको नहीं पता क्या means you are indifferent not having such a good interest in something or you don't know exactly something so here comes stamp your foot means मेरे रंग नहीं क्या होता है ऐसे लगता है आपने पूरा फ्लोर तोड़ दिया लेकिन कुछ नहीं होता आपका So, stamp your foot means with your angry you're doing that like this. And wrinkle one, nose. Feeling dislike or distaste. This is not good. Face doesn't look good. Like it doesn't look good. You hate something, you dislike something. So, what do you do there? What do you do? Mama, so much love that you have made food, so you don't look good. एक रोज फ्लावर स्मेल करके आप ऐसे करोगे नहीं है ना करते ऐसे वहां पर क्या हो गया आपको जैसे अगर अच्छा नहीं लगा तो क्या कोई स्प्रे हो सकता सो यू आर रिंकलिंग योर नोज एंड हियर कम्स रिंकल योर फोरहेड फोरहेड दिस एरिया में ये रिंकल आगे बढ़ते तो क्या होगा क्या पजल है ना सो डोंट नो व्हाट टू डू टोटली सच अ सिचुएशन ऑफ अ क्लियरली सिचुएशन टोटली अ कंफ्यूज सिचुएशन यू आर इन लाइक हरियाणा पुस्त रिंगलिंग हाँ यस रिंगल सारे सो दिस आर सम ऑफ द नॉट यू नो दिस आर जस्ट अराउंड दिस एरिया ओनली एंड देर आर मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट फंक्शन डिफरेंट एरियाज ओनली सॉरी डिफरेंट या बोथ सो एनीवे मेक श्योर दैट यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड मिनिमम दिस वर्ड्स व्हिच आई हैव जस्ट टोल्ड यू मेक श्योर दैट यू जस्ट स्टडी देम वेरी वेल एंड जस्ट मेक श्योर दैट इफ एनीबॉडी इज डूइंग इन फ्रंट ऑफ यू सच एक्शंस मेक श्योर दैट They'll be going through these situations. Okay. Anyway, thank you people for watching the video. Bye-bye.